हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुस्तु मिला। दोस्तों, यदि आप लोग भी इस मानसून सीजन में प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए IRCTC लेकर आया एक शानदार बजट टूर पैकेज। दोस्तों, इस टूर पैकेज के माध्यम से आप लोगों के पास गोवा की प्राकृतिक सुंदरता को देखने का बेहतरीन मौका है। दोस्तों, इस टूर पैकेज के विषय में पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो जरूर देखना चाहिए, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बारिश के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। ऐसे मौसम में हमारा मन अक्सर यही सोचता है कि सारे कामकाज छोड़कर प्रकृति के करीब रहा जाए। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए बारिश में कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो अगस्त के महीने में आप लोग गोवा जा सकते हैं। IRCTC आप लोगों के लिए शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। इसके माध्यम से आप लोग गोवा के बीच यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, समंदर और खूबसूरत चर्च देखने का बेहतरीन मौका है। दोस्तों, IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम गोवा डिलाइट्स है। 3 नाइट्स और 4 डेज वाले इस टूर पैकेज की डिपार्चर डेट है 15 अगस्त 2022। ट्रेवलिंग मोड है फ्लाइट और क्लास है कंफर्ट। इस टूर पैकेज के माध्यम से आप लोग नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के साइट सीइंग प्लेसेज को विजिट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो आप लोगों को रिटर्न एयर टिकट्स की सुविधा मिलेगी। एकोमेंडेशन की बात करें तो आप लोगों को डीलक्स होटल या रिजॉर्ट में 3 नाइट स्टे करने की सुविधा मिलेगी। गोवा एयरपोर्ट तक आप लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा साइट सीइंग प्लेसेज को विजिट करने के लिए AC मिनी कोच की सुविधा मिलेगी। मील्स की बात करें तो आप लोगों को ब्रेकफास्ट और डिनर की सर्विस मिलेगी। इसके अलावा इस टूर पैकेज में पार्किंग चार्जेस, ड्राइवर भत्ता, टोल टैक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और GST इस टूर पैकेज में शामिल है। अब बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। तो यदि किसी भी साइट सीइंग प्लेसेज पर एंट्री टिकट लगता है तो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों का जो भी पर्सनल नेचर से संबंधित एक्सपेंसेस है, जैसे कि पोर्ट्रेट, ट्रिप्स, इंश्योरेंस, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्ज, लॉन्ड्री, इन सब के लिए आपको ही पे करना पड़ेगा। टूर पैकेज से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस टूर पैकेज में कोई भी स्टिल वीडियो कैमरा फीस और लंच इस टूर पैकेज में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं डेली टूर प्रोग्राम के विषय में। तो फर्स्ट डे आप लोगों की जर्नी रायपुर से गोवा के लिए होने वाली है। आप लोग अपनी फ्लाइट के माध्यम से रायपुर से गोवा के लिए प्रस्थान करेंगे। गोवा पहुंचकर आप लोग इवनिंग में कलंगुट बीच को विजिट करेंगे। सेकेंड डे आप लोग साउथ गोवा के साइट सीइंग प्लेसेज को विजिट करेंगे। यहाँ पे आप लोग बिशेलका, बॉम जीसस, मीरामार बीच, मंगेशी टेम्पल और मंडोवी रिवर में बोट क्रूज का एंजॉय करेंगे। क्रूज टाइमिंग है इवनिंग 6 to 7। यहाँ पे एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान दें कि मंडोवी रिवर में क्रूज का आनंद उठाने के लिए आप लोगों को 3 साल से ऊपर के सभी पैसेंजर को 450 का चार्ज देना पड़ेगा। थर्ड डे आप लोग नॉर्थ गोवा के साइट सीइंग प्लेसेज को विजिट करेंगे। यहाँ पे आप लोग फोर्ट अगोडा, कैंडोलम बीच, बागा बीच, अंजुना बीच, वागाटोर बीच और चपोरा फोर्ट को विजिट करेंगे। फोर्थ डे आप लोग अपनी फ्लाइट के माध्यम से गोवा से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ ही इस टूर का द एंड हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं हर टूर पैकेज में कहता हूं कि इस टूर पैकेज से संबंधित जो भी टर्म्स और कंडीशंस है उनको अच्छी तरह से समझ लें, जिससे आगे चलकर आप लोगों को टूर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इस टूर के बुकिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है या इस टूर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों का कितना चार्ज लगने वाला है। तो सिंगल अक्यूपेंसी पर पर्सन चार्ज है 29,825, डबल अक्यूपेंसी पर पर्सन चार्ज है 24,840 रुपीज़, ट्रिपल अक्यूपेंसी पर पर्सन चार्ज है 24,660 रुपीज़, चाइल्ड विद बेड 5 to 11 ईयर्स 22,080 रुपीज़, चाइल्ड विदाउट बेड 5 to 11 ईयर्स 21,710 रुपीज़। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए इस टूर पैकेज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कुस्तु मिला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।